हरियाणा को बिहार नहीं बनने देंगे। जैसे कि बिहार में MSP तोड़ के वो लोग मजदूरी करने पंजाब हरियाणा आते हैं, अगर हमारी MSP टूट जाती है तो हमारे को तो कहीं गाड़ी उठा के जा नहीं सकते। इसलिए हमारे लिए कणक और राइस दोनों चीज़ों की MSP जरूरी है। हम कंगाल हो जाएंगे, हमारे बच्चे कंगाल हो जाएंगे, हमारे तो बच्चे लेबर भी नहीं कर सकते। इसलिए हम इसको तोड़ने बंद नहीं करने देंगे। अगर ये बंद हो गया तो हरियाणा पंजाब में भूचाल आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadaknama.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा जिला की दिखा रहा हूं। आज हरियाणा बंद के दौरान गांव पंजवाना में नेशनल हाईवे किसानों ने जाम किया हुआ है। मेरे साथ इस वक्त किसान नेता हैं प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा, हम इनसे चर्चा करने की कोशिश करते हैं। प्रहलाद जी, जो आंदोलन आज किसान कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस आंदोलन के बाद कहीं सरकार 3 अध्यादेशों को वापस लेने के बारे में सोचेगी? आज पूरे देश का किसान जो है सड़कों पे है। हरियाणा के 19 किसान संगठनों द्वारा आज हरियाणा बंद का आह्वान था, उसी को लेके आज हम नेशनल हाईवे पंजवाना के ऊपर आज सिरसा जिला का किसान मजदूर हर वर्ग जो है आज सड़कों के ऊपर आप देख रहे हो हजारों के लोग। और ये 3 जो काले कानून लेके आई है, 3 जो अध्यादेश है जो इन्होंने लोकसभा के अंदर पारित भी कर दिया है, इनके खिलाफ आज किसानों का सरकार के प्रति बहुत बड़ा गुस्सा है और इनको वापस लेने के लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि ओपन मार्केटिंग करेंगे, जिससे किसान को हम आज़ाद कर दिया है कि वो कहीं अपनी फसल बेच सकता है। पहले तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि हमें वो कानून दिखा दो जिसके अंदर किसान पे ये बैन लगा हुआ है कि आप दूसरी जगह फसल नहीं बेच सकते, तो ये मिथ्या प्रचार करें। इसमें जो छूट दी गई है वो कंपनियों को दिया है कि कंपनी जाके कहीं पर भी बिना कोई लाइसेंस लिए, बिना सरकार की अनुमति लिए, जिस भाव में मर्जी कोई फसल खरीद सकती है, जितना मर्जी स्टॉक कर सकती है, तो ये किसानों से सस्ती भाव में फसल खरीदेंगे। हम इसमें मांग करते हैं कि सरकार जो है हर किसान की जो फसल है उसका एक एक दाना खरीद गारंटी कानून बना दे और MSP से कम के ऊपर कोई भी है फसल जो है, कोई व्यापारी जो खरीदेगा नहीं, कोई कंपनी खरीदेगा नहीं, अगर उस MSP से कम कोई खरीद करता है तो उसको सजा का प्रावधान कर दो, ये हमें लिखित के अंदर दे दो, कानून गारंटी बना दो ताकि किसान इसमें सुरक्षित रहे। तीसरा ये जो लेके आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कि किसानों के साथ कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के नाम के ऊपर किसानों के साथ धोखे होंगे, उसमें मार्केट के अंदर भाव बढ़ जाएगा तो बड़ा हुआ किसान जो है फसल बेच नहीं सकता, भाव ले नहीं सकता। अगर कम हो गया भाव तो वो कंपनियां उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर देगी, उसको उसके पास 100 अधिकार है, सारे अधिकार कंपनियों को दिए गए। इस वजह से ये तीनों कानून जो है वो किसानों के खिलाफ है, आम जनता के खिलाफ है, इसलिए आज प्रदेश की और देश की जनता सड़कों के ऊपर। हरियाणा बंद के बाद अगला कदम किसानों का क्या होगा? अगला कदम भारत बंद करने का, पूरा हिंदुस्तान बंद होगा। तो ये थे मेरे साथ प्रहलाद सिंह किसान नेता, जिन्होंने कहा कि अगर 3 अध्यादेश वापस नहीं लेती है सरकार तो अगला कदम भारत बंद का होगा, क्योंकि पूरे भारत के किसान हैं वो सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।